देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगा आपको। मेरा नाम पंडित योगेश कुमार द्विवेदी है और वृंदावन का मैं रहने वाला हूँ। वृंदावन रंगजी के मंदिर पर मेरा निवास है। और जो आपने प्रश्न किया है कि चुनाव क्यों लड़े, तो चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था वह यह था कि 66 साल के अंदर में अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टियां यहां चुनाव लड़ती आई हैं, उनमें सभी को मौका मिला, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, लोकदल को, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मौका नहीं मिला। और मौके के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से विकास करने में विश्वास रखती है, उसी विकास के मुद्दे को लेकर के, और 66 साल में जो मथुरा के अंदर में किसी चीज में भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे ग्रामीण अंचल है, चाहे शहरी अंचल है, तो जिन क्षेत्रों में पूरे मथुरा लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, उसी मुद्दे को लेकर के हमने इस चुनाव को लड़ा। देखिए, नई नौकरी और रोजगार पैदा करने के जो रास्ते हैं बहुत कठिन भी हैं और आसान भी हैं। आसान इस तरीके से है कि जिस तरीके से हम पांचों विधानसभा के अंदर में अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल बनवाने की जो चेष्टा करेंगे, जो प्रयास करेंगे, जो स्कूल पांचों विधानसभाओं में खुलेंगे, प्लस जो स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल छोटे छोटे मात्रा में हम पांचों विधानसभाओं में खुलेंगे, तो उनमें जो स्टाफ लगाया जाएगा वो प्रायोरिटी पर स्टाफ लोकल मथुरा का ही होगा। तो उसमें जितने भी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट्स के लगेंगे उनकी प्राथमिकता ये होगी कि वो मथुरा के होंगे। तो इसमें दो काम हमारे हो जाएंगे, एक तो हमारा विकास, दूसरा हमारी बेरोजगारी दूर, उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो हमारे जनपद के हैं। अच्छा, तीसरी चीज, केंद्र सरकार के द्वारा मथुरा जनपद के अंदर में एक अच्छा रोजगार के लिए एक अच्छी फैक्ट्री या एक अच्छा प्रोडक्ट ला करके यहाँ खड़ा किया जा सकता है, जिससे कि मथुरा के लोगों को, मथुरा के लोगों में ग्रामीण अंचल, शहरी अंचल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार अच्छे तौर पर मिल सकता है। शिक्षा के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ग्रामीण स्कूलों में, ग्रामीणों में, गाँव में स्कूल बने हुए हैं, वहां पर टीचर नहीं है, बच्चे जाते हैं, वही झाड़ू लगाते हैं, वही ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं और घर चले आते हैं। मैंने पूरे चुनाव के दौरान इस माहौल को देखा, लेकिन मैंने जिस तरीके से जनता को भरोसा दिलाया है, मेरा पहला उद्देश्य ये होगा कि जिस तरीके से बच्चे हमारे जो अशिक्षित हैं उनको पहले घर से निकाला जाए कि पढ़ने जाएं। देखिए, रोड का जो काम है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़ी रोडें होती हैं, बड़ी रोडें यानी हाईवे से कनेक्टेड जो होती हैं वो केंद्र सरकार की होती हैं, और जो गांव की सड़कें होती हैं, गांव के अंदर की जो सड़कें होती हैं वो लोकसभा सांसद जो होता है उसके हद में आती हैं, उनको हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी निधि के द्वारा, प्लस अपने राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनकी निधि को लाकर लगाने के द्वारा। इसमें मैंने दो चीज का कन्वर्जन किया है कि गांव की रोड को बनाकर छोड़ना नहीं है, गांव की रोड को बनाकर के शहर की सड़क से जोड़ना है। देखिये, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महिला शक्तिकरण हमारी मातृशक्ति है, मातृशक्ति है, माँ हमारी जननी है, बहन हमारी पूजनीय है, माँ हमारी पूजनीय है। हिंदुस्तान के अंदर में अगर सही मायने में किसी शब्द को पूजा जाता है तो देखिए, हिंदुस्तान को कहते हैं भारत माँ, यमुना को कहते हैं यमुना माँ, और माँ को कहते हैं जननी माँ। तो ये तीनों हमारी माँ है, हिंदुस्तान को बचाना, माँ को बचाना, यमुना को शुद्ध धारा में लाना, यमुना को बचाना, माँ को बचाना, और पैदा करने वाली जो हमारी माँ है और हमारी बहन बेटी हैं, उनकी रक्षा, उनकी धर्म रक्षा करना हर राजनीतिक प्रतिनिधि का नैतिक दायित्व बनता है। देखिए, मेन मुद्दा मेरा तो, वैसे मुद्दे मेरे बहुत हैं, लेकिन सबसे मेरा मेन मुद्दा है यमुना को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, ये दो मुद्दे मेरे बहुत बड़े हैं। एक तो हमारी ब्रज की जो धरोहर है, ब्रज की जो पहचान है, वो हमारी यमुना महारानी है। यमुना के अस्तित्व का खतरा जिस तरीके से आज मंडरा रहा है, यमुना बिल्कुल खत्म होने के धरातल पर आ चुकी है। अगर यमुना खत्म हो गई तो ब्रजवासी भूख प्यासे मरेंगे। मेरे बारे में देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने पूरे चुनाव के अंदर में लोगों से कहा, यहां पर जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें दो प्रत्याशी हमारे जो थे वो दोनों ही भाग के थे, लेकिन मैंने जनता के बीच में एक बात रखना चाहिए कि आज मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से बंबई और बागपत जाता हूं चुनाव लड़ने, तो क्या बंबई और बागपत के लोग मुझे चुनाव जिता सकते हैं? तो आज मथुरा के अंदर में कोई भी माँ बाप अपने बेटे को परीक्षा में फेल होता हुआ नहीं देख सकते। इसी तरीके से मैं इस जनपद का बेटा हूं, मैं इस जनपद का भाई हूं।